नमस्कार, मैं हूं सुरेश तिवारी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ऑनली न्यूज नेशन पर। इस वक्त की बड़ी खबर माफिया मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई आ रही है। ये वही बाहुबली डॉन है जो उत्तर प्रदेश में अपने बाहुबल के लिए जाना जाता था। लगातार चाहे किसी को डराना हो, चाहे किसी को धमकाना हो, या फिर किसी की जमीन हड़पनी हो, या फिर हत्या का मामला हो, किडनैपिंग से लेके तमाम मामलों में यह आरोपी संलिप्त रहता था। इसके खौफ से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान थी, डरी हुई थी। ऐसे में ये माफिया बाहुबली डॉन मुख्तार अंसारी और इसका पूरा परिवार बेखौफ होकर अपने तमाम कारनामों को अंजाम देता था और पुलिस प्रशासन को खुली चुनौती देता था, मानो जैसे इसका कोई कुछ भी नहीं कर पाए। मगर इसके हालात बदल गए जब से उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। इसके हालात ऐसे बदले कि इसको खुद खबर नहीं लगी। यहाँ आज के समय में जो बाहुबली डॉन एक समय छाती चौड़ा करके घूमा करता था, मूंछों पर ताव करके पुलिस प्रशासन को चुनौती देता था, वही बाहुबली डॉन कभी गिड़गिड़ाता तो कभी रोता नजर आता है। जहाँ ईडी के सवालों पर पसीने भी छूट जाते हैं, ऐसे में इस बाहुबली डॉन की यह हालत अगर इस वक्त ऐसी है तो वो सिर्फ बाबा योगी आदित्यनाथ की वजह से। बता दें कि हाल ही में एमपी एमएलए कोर्ट में जब इस आरोपी को, इस बाहुबली डॉन को 10 साल की सजा सुनाई गई थी तो ये रोता नजर आया और अब ईडी के सवालों के सामने ये गिड़गिड़ाता नजर आया। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं ईडी के सवालों की तरफ और दिखाते हैं आपको कैसे इस बाहुबली डॉन के बाहुबल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पुलिस प्रशासन ने धूल में मिलाकर रख दिया है। और आज के समय में जो बाहुबली अपने मूंछों पर ताव देखकर मुस्कुराता नजर आता था, आज रोता नजर आ रहा है, गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। पूरा का पूरा वीडियो दिखाएंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध करेंगे कि खबर पसंद आए तो खबर पर लाइक शेयर तो करिएगा ही, कमेंट करके अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में बाहुबलियों का यह हाल देखकर उनके सत्ता के बारे में दो शब्द जरूर लिखिएगा। पूर्वांचल का माफिया डॉन और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी 10 दिनों की ईडी की कस्टडी रिमांड पर है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी मुख्तार अंसारी को कस्टडी रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। शनिवार को कस्टडी रिमांड का आज चौथा दिन है। ईडी की अलग अलग टीमें मुख्तार अंसारी से लगातार पूछताछ कर रही है। ईडी ने बाहुबली से FCI से मिले 15 करोड़ रुपए का हिसाब मांगा है। ईडी ने पूछा है कि सरकारी धन कहां पर खर्च हुआ और दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमा अंसारी को कितना दिया गया। FCI से मिले 15 करोड़ में से विकास कंस्ट्रक्शन में कितना निवेश किया और अपने ससुर जमशेद रजा की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन में कितने रुपए लगाए। इसके अलावा इस 15 करोड़ में से विदेश में कितने रुपए खर्च किए गए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक इन सवालों का मुख्तार अंसारी ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उल्टा जैसे जैसे ये सवाल आगे बढ़ते जा रहे थे, मुख्तार अंसारी के चेहरे से पसीना छूटता जा रहा था। इसके बाद अब जल्द ही ईडी मुख्तार के करीबियों को बुलाकर उनसे आमना सामना भी कराएगी और पूछताछ भी करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी और साला सरजीला रजा जेल में बंद है। ईडी पहले ही दोनों की कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ कर चुकी है। अभी ईडी उनके स्टेटमेंट को मुख्तार अंसारी के सामने रखकर मिलान करा रही है। हालांकि इन सवालों के जवाब पर मुख्तार अंसारी पहले अनजान बन रहा। उसने ईडी के अफसरों को बताया कि वह 17 साल से जेल में बंद है, इसलिए उसे कारोबार के बारे में कोई ज्यादा कुछ बातें याद नहीं है या फिर जानकारी नहीं। लेकिन ईडी ने जब कंपनी का काला चिट्ठा उसके सामने रखा तो मुख्तार अंसारी परेशान हो उठा। अब मुख्तार का आमना सामना उसकी कंपनी के कर्मचारियों से भी कराया जा सकता है। इसके साथ ही कंपनी में काम करने वाले ठेकेदारों को बुलाकर भी ईडी पूछताछ कर सकती है।
वहीं 2021 में दर्ज हुआ था मनी लॉन्ड्रिंग का केस। जी गौरतलब है कि मार्च 2021 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इसके बाद ईडी ने नवंबर 2021 में बांदा जेल जाकर मुख्तार अंसारी के बयान दर्ज किए थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के उप क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में ही मुख्तार अंसारी से पूछताछ अभी भी जारी है। मुख्तार अंसारी 23 दिसंबर दोपहर 2 बजे तक ईडी की कस्टडी रिमांड पर है। मुख्तार से पूछताछ के चलते ईडी कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। जेल में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और उसके करीबी रिश्तेदारों की संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रुकने का नाम नहीं ले रहे, लगातार मुख्तार अंसारी और उसके करीबियों के संपत्तियों को कुक करते हुए उनकी कमर तोड़ रहे हैं। शनिवार को ही गाजीपुर जिले की पुलिस ने लखनऊ के डालीबाग इलाके स्थित मुख्तार की मां और बहन के नाम पर दर्ज 8 करोड़ के प्लॉट को गैंगस्टर एक्ट में कुक कर दिया है। बीते 23 अक्टूबर को लखनऊ के ही हजरतगंज इलाके में डालीबाग स्थित मुख्तार अंसारी के बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी के नाम पर दर्ज कोठी को भी गाजीपुर पुलिस ने कुक किया था। अब शनिवार को गाजीपुर पुलिस फिर लखनऊ पहुंची और मुख्तार की मां राबिया खातून उर्फ राबिया बेगम के नाम पर 386.1524 वर्ग मीटर का प्लॉट और बहन फहमीदा अंसारी के नाम पर दर्ज 231.40 वर्ग मीटर का प्लॉट कुर्क कर दिया। मुख्तार अंसारी को मिली सजा ने साबित किया कि पुलिस सही है, ऐसा खुद एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा है। बता दें कि मुख्तार अंसारी के बहनोई और फहमीदा अंसारी के पति एजाज उर्फ एजाजुल हक पर भी गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। लिहाजा पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई करते हुए मुख्तार अंसारी की बहन फहमीदा अंसारी के नाम पर 10 प्लॉट को भी कुर्क कर दिया है। लखनऊ में कुर्क किए गए दोनों ही भूखंड की कीमत लगभग 8 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। गौरतलब है कि बीते दिनों जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसके साथी भीम सिंह को गाजीपुर की कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनाई। मुख्तार पर 5 मामलों के बाद गैंगस्टर का यह छठवां केस दर्ज हुआ है जिसमें सजा हुई। इससे पहले दर्ज 5 मामलों में से 4 में मुख्तार अंसारी को दोष मुक्त किया जा चुका है। सिर्फ कांग्रेस नेता अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या का मामला कोर्ट में विचाराधीन था और उस पर भी पूरा का पूरा मामला सुलट गया और उस मामले में मुख्तार अंसारी और उसके साथी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि मजे की बात यह है कि यह मुख्तार अंसारी जो किसी से भी नहीं डरता था, लगातार अपना छाती चौड़ा किए सबको चुनौती देता रहता था, यह मुख्तार अंसारी जब सजा सुना तो इसने रोना शुरू कर दिया। सजा वाले दिन सुबह से ही ये दुआएं पढ़ रहा था कि इसको सजा ना हो। यहां तक कि ईडी के सामने गिड़गिड़ाते हुए इसने पूछताछ रोकने की भी बात कही थी। इसने कहा था कि जब तक मुझे सजा नहीं सुना दी जाती है, जब तक ये केस की सुनवाई नहीं हो जाती है, तब तक ईडी कृपया करके मुझसे कोई भी पूछताछ ना करे। ऐसे में अब ईडी ने जब फिर से पूछताछ शुरू की तो मुख्तार अंसारी के चेहरे की हवाइयां ही उड़ गई। इस पूरे खबर पर, मुख्तार के इस हाल पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के राज में बाहुबलियों का, माफिया डॉनों का हाल क्या हो रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाए। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ ओनली न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।